तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले वीजी ऑटो कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो एक फ्री जॉब से टोटली फ्री रिक्वायरमेंट्स होने वाला है। देन गाइज, इस कंपनी में मारुति सुजुकी के पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, बनते हैं, और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, इसमें अगर आप 10th पास है 12th पास है, ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, डिग्री है, तो इनके लिए डिफरेंट सैलरी है। सपोज सभी का सैलरी अलग अलग होने वाला है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर ऐसा रिक्वायरमेंट दीजिए जिसमें सैलरी भी अलग हो, हमारे एजुकेशन के हिसाब से हमें सैलरी मिल पाए। तो आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है पूरा तरीके से, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है वो भी मेंशन करेंगे। टोटली फ्री जॉब से, एक रुपये का भी रजिस्ट्रेशन फीसेस आपको पे नहीं करना है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन जो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा वो आपको पूरा मिल पाएगा। देन गाइज, जॉब्स भी मिल पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो जॉब का लोकेशन होने वाला है वो गुजरात लोकेशन में होने वाला है। जॉब्स इन जलीसाना गुजरात लोकेशन में होने वाला है, जिसमें एज आपका बेसिकली 18 to 35 होना चाहिए। देखिए, एज का क्राइटेरिया कंप्लीटेड होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते जो 42 के हैं, 40 है, या फिर अबोव 40 ईयर्स है, वो भी कॉल करके परेशान करने लगते हैं। देखिए, सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, ये जो जॉब्स है ओनली फॉर सीरियस कैंडिडेट के लिए, मतलब जो करना चाहते हैं, अभी उनको करेंटली में जॉब चाहिए, वैसे लोगों के लिए नहीं है जो इंक्वायरी करे, बार बार कॉल करे, जी नहीं, वैसे कैंडिडेट के लिए यहां पर जॉब्स के वैकेंसीज नहीं है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको जॉब चाहिए, करेंटली में आपको नीड है, हाई सैलरी पैकेज चाहिए और एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जॉब चाहिए, तो आप इस काम को देख सकते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, हर सारा का सारा इंफॉर्मेशन समझिएगा। कंपनी ने ऑलमोस्ट बहुत सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड किए हैं जो मैं आज के वीडियो में शेयर करने वाला हूं, और मैं यही रिकमेंड करता हूं लास्ट तक देखना, एंड तक देखना। एंड गाइज, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, एक लाइक जरूर करें, मोटिवेट करें, ताकि हम भी आपसे मोटिवेशन हो सके। जाहिर सी बात है, इस कंपनी में मारुति सुजुकी के पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे क्लच प्लेट्स हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो मैन्युफैक्चर होते हैं, तो इसमें सैलरी बहुत अच्छे होने वाले हैं। रिकमेंड यही है, वीडियो को पूरा देखना। यहां पर देखिए, यहां पर पोजिशंस की बात कर रहे हैं, हेल्पर, प्रोडक्शन ऑपरेटर, यही सब का काम होने वाला है। हेल्पर का काम, प्रोडक्शन ऑपरेटर का काम होने वाला है। देखिए, अगर यहां पर हेल्पर की नाम सुन रहे हो तो बहुत सारे लोग के माइंड में यह भी आ रहा होगा कि सर हम अनपढ़ हैं, हम कर सकते हैं क्या? जी नहीं, यहां पर एक ब्रांड कंपनी में मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपका होता है वो 10th पास खोजा जाता है, और 10th पास आपका क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है इस कंपनी में, जो होना ही चाहिए, कंप्लीटेड होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आप बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास 12th पास, ITI, डिप्लोमा, डिग्री, ग्रेजुएशन, ऑलमोस्ट सभी के लिए यहां पर जॉब्स के वैकेंसी अवेलेबल है। सभी के डिफरेंट पोस्ट होने वाले हैं, डिफरेंट टाइप के सैलरीज भी होने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। उसके बाद दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर लेना, कॉलिंग नंबर हम आपको बताएंगे, या फिर स्क्रीन पे शो करेंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, लेकिन पहले इंफॉर्मेशन समझिए। यहां पर देखिए, ड्यूटी 8 घंटे की है, 8 आवर्स ड्यूटी है, प्लस 4 आवर्स OT है कंपल्सरी, ओके। यहां पर 26 डेज वर्क करना है, 4 संडे को आपका छुट्टी होने वाला है, तो 4 संडेज ऑफ आपका होने वाला है। यहां पर आपका अगर 10th पास है 12th पास है, दो तरीके का आपका एजुकेशन है, 10th पास है 12th पास है, ये दोनों का सैलरी सेम होने वाला है। तो 10th पास 12th पास को जो सैलरी मिलेंगे 14,000 इन हैंड है, 14,000 रुपये मिलेंगे। ITI वाले को लिए 15,000 इन हैंड है, डिप्लोमा वाले के लिए 16,000 इन हैंड है, और ये सभी सैलरीज इंक्रीज करेगा, ठीक है, बढ़ेगा, ये सैलरी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये जॉब्स जो होने वाला है बिल्कुल फ्री है, इसलिए अगर आप किसी भी लोकेशन से रहते हो तो एक बार कॉल कर दो, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर। लेकिन यहाँ पर बात समझो, फैसिलिटीज़ मैंने मेंशंस नहीं किया, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको गाड़ी का किराया होना चाहिए, बस पहुँच जाते हो तो बात ख़त्म हो गई, यहीं तक का बात है। यहाँ पर फैसिलिटीज़ में क्या है, रूम का क्या है, बहुत सारे लोग अनदर स्टेट से जाएंगे काम करने के लिए, या फिर उसी स्टेट से जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका घर तो नज़दीक नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप बिहार, झारखंड, UP, उत्तर प्रदेश, कोलकाता, या फिर MP, ओडिशा से काम करने के लिए सोच रहे हैं गुजरात लोकेशंस में,
तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस अच्छे खासे हैं, क्योंकि यहाँ पर रूम मिल जाता है लेकिन रूम चार्जेबल्स होते हैं। एक बात बता देता हूँ, रूम टू टाइप्स के मिलते हैं। वन टाइप्स का रूम ऐसा है कंडीशंस की छोटा रूम रहता है, उसमें चार लोग रहते हैं और उसका एक आदमी का पड़ेगा 1000 रुपये पड़ेंगे, ठीक है, वन आदमी का, वन कैंडिडेट का 1000 रुपये, मतलब चार लोगों का 4000 रुपये पड़ेंगे। और एक और ब्रांड रूम है जो बड़ा सा है, उसमें 1800 रुपये पड़ेंगे, जो आपके पास एक ऑप्शन है। अगर नहीं आप सोचते हो कि हम छोटे से रूम में एडजस्टमेंट कर लेंगे स्टार्टिंग में, बाद में हम बड़े रूम के देखेंगे, तो ये भी आप फोकस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एडजस्टमेंट कैसा करते हो। वैसे भी बाहर में लोग जाते हैं कमाने के लिए, सेविंग करने के लिए, तो यहाँ पर आप सेव कर सकते हो, छोटे छोटे चीज़ों को सेव कर सकते हो, आफ्टर देन आपका सैलरी आता है, आप वहाँ पर अच्छे रूम ले सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, ओके। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको बता दूं फूडिंग का, तो फूडिंग में आपको एवरीथिंग कंपनी ऑलमोस्ट प्रोवाइडेड बट चार्जेबल। यहाँ पर कंपनी आपको जो खाना देगी 5 स्टार खाना देगी, समझो तो ऐसा खाना है कि कंपनी में, कंपनी के नाम पर खाना के लिए मतलब एक तरह से धब्बा लगा देते हैं लोग कि कंपनी खाना अच्छा नहीं देता है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, फूडिंग अच्छा नहीं है, खा के बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा वैसा बहुत सारे डिफरेंट कंपनी में मैंने इस बात को नोटिस किया है, सुना है। लेकिन इस कंपनी में ऐसा 1% भी आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको ब्रेकफास्ट मिलते हैं, लंच मिलता है, डिनर मिलता है, ऑलमोस्ट सब कुछ मिलते हैं। 2000 रुपीज़ इसका मंथली चार्जेस आपको पेड करना होगा, लगेगा, ठीक है। और दोस्तों यहां पर एक और बात बता दूं, यहां पर हमें जो मेंशन किया गया 8 आवर्स ड्यूटी प्लस 4 आवर्स कंपलसरी ओटी, यहां पर सैलरी जो 14000 15000 16000 बताया गया, 10th 12th को 14000, आईटीआई वाले को 15000, डिप्लोमा वाले को 16000। यहां पर मुझे क्लियर नहीं बताया गया कि यहां पर जो सैलरी 8 आवर्स का है या फिर 4 आवर्स ओटी का भी इंक्लूडेड है, तो यह चीज आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर जो डिस्क्रिप्शन में, उस पर कॉल करके पूछ सकते हो, क्योंकि यहां पर हमें मेंशन नहीं किया गया, नहीं बताया गया एवरीथिंग, अगर बताया जाता हम आपके साथ में शेयर कर देते। तो दोस्तों ये छोटा सा इंफॉर्मेशन था जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। और दोस्तों ये जो जॉब्स का लास्ट डेट रहने वाला है, वो रहने वाला है 24 मई, जो अब 24 मई तक ये जॉब्स के वैकेंसीज होने वाले हैं अहमदाबाद लोकेशंस में। ये जॉब्स है अहमदाबाद आना है आपको, अहमदाबाद से आपको मतलब यहाँ पर जलीसाना लोकेशंस में आना है, उससे पहले आप कॉल करके इन्फॉर्मेशंस ले लेना, ओके। यहाँ पर ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, कंपनी में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शंस होगा, सिलेक्शंस ऑलमोस्ट सभी के हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपका जो ड्रेस है, ड्रेस कोड मेंशंस करता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो जाते हैं वहां पर टी शर्ट पहन के, जींस पहन के जाते हैं, या फिर उनका फटाफटा जींस होता है ना, जो जिसको बोलते हैं डैमेज जींस, वो डैमेज जींस पहन के जाते हैं। कितने लोग टी शर्ट मतलब भद्दा सा पहन के जाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। यहां पर आपको फॉर्मल ड्रेसेस होना चाहिए, जैसे कि ये नॉर्मल शर्ट है ऐसा शर्ट होना चाहिए, एक नॉर्मल पैंट होना चाहिए जो आपका कोई भी टेलर सिल देगा, तो यहां पर पैंट शर्ट होने चाहिए, एक शूज होना चाहिए, जो शूज होना चाहिए वो मतलब इंटरव्यू के लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कैसा भी आप पहन के जा रहे हो, यहां पर क्या बोलते हैं, बहुत सारे टाइप के शूज भी आते हैं, ड्रेस कोड भी आते हैं, तो ऐसा बन के जाओ कि आपका फर्स्ट में ही सिलेक्शंस हो जाए और ऑलमोस्ट आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। सो एक और बात बता देना चाहता हूं, यहां पर लास्टली बोल देना चाहता हूं, कंपनी में जाते हो, किसी भी कंपनी में काम करते हो, सैलरी इंक्रीज होता है, डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर काम किस तरीके के कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो और किस तरीके का व्यवहार है आपका, व्यवहार भी मेंशंस करता है। बहुत सारे लोग जाते हैं और एक्साइटमेंट हो करके जाते हैं, यहाँ पर से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं और पता नहीं वहाँ पर जाने के बाद उनका कौन पीछे लग जाता है, कौन उनके माइंड को इधर उसे उधर कर देता है कि वो वहाँ पर काम करने के लिए भी तैयार नहीं होते। और देखो भाई, अगर आप गुजरात में काम करने जा रहे हो तो टाइम पास नहीं, वहाँ पर रह के आपको काम करोगे तभी पैसा मिलेगा। ये हम वीडियो में मेंशंस इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर से तो बहुत सारे लोग कैंडिडेट जो होते चले जाते हैं, यहाँ बिहार या फिर कोलकाता या फिर MP UP, यहाँ पर गर्मी तो कम नहीं है ना,
तो अपने स्टेट में किसी को गर्मी कम नहीं लगता है, कितना भी टेम्परेचर क्यों ना हो जाए गर्मी कम नहीं लगता है, नॉर्मल से बेसिक है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर काम करने के लिए कदम डालेंगे और वहाँ पर काम करना पड़ेगा तो कहेगा कि गर्मी बहुत है, मेरे को नहीं जम रहा ऐसा वैसा। तो कहीं भी मैं बता दूँ, अगर आपको सक्सेस फील होना है, आपको पैसे कमाने हैं, तो कहीं भी आपको पसीने बहाने पड़ेंगे। एवरीथिंग अगर आप नहीं करते हो तो आप कहीं भी सक्सेस नहीं होंगे। यहाँ पर ऑटोमोबाइल कंपनी में ही नहीं बल्कि अपने लाइफ में कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकते हो, क्योंकि हर जगह पे आपको मेहनत करने पड़ेंगे और मेहनत के बदले में ही आपको जो अचीवमेंट मिलेगा वो मिलेगा। सो एवरीबॉडी, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा और जॉब्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर है, टोटली फ्री जॉब्स है, कंसीडर कीजिए, फोकस कीजिए एंड डिस्क्रिप्शन से कॉन्टेक्ट नंबर उठाइए, हमारे चैनल का रेफरेंस दीजिए, बात कीजिए एंड डायरेक्टली जॉब्स लीजिए। सो एवरीबॉडी, मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई जॉब्स की जानकारी लेकर के, कोई नया इंफॉर्मेशन लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।